दिल्ली में केजरीवाल 3.0 का मिजाज पहले से बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा, इसकी झलक अभी से मिलने लगी है। अरविंद केजरीवाल ने अपने शपथ ग्रहण समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। जनता इसका गवाह बनेगी, सबसे मुख्य तो अगर कहें तो उन्हीं को बुलाया गया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी को इन्विटेशन भेजा गया है, जितने यहाँ से निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उन लोगों को भी इन्विटेशन भेजा जाए। इससे पहले दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल को बधाई दी थी और पीएम ने कहा था कि मैं आशा करता हूं कि दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं को वे पूरी करेंगे, जिसके बाद केजरीवाल ने पीएम को धन्यवाद दिया था। आज मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने भी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के लिए उन्हें बधाई दी। अरविंद केजरीवाल के शपथ ग्रहण को यादगार बनाने की तैयारियां चरम पर हैं। 16 फरवरी को रविवार के दिन केजरीवाल रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। केजरीवाल के लिए ये तीसरा मौका होगा जिसकी गवाह पूरी दिल्ली बनेगी। उनके साथ मंत्री भी शपथ लेंगे। पिछले कार्यकाल में जितने भी मंत्री थे सभी चुनाव जीत गए हैं और इस बार फिर मंत्री बनने की कतार में हैं। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में भारी जीत और उनके राष्ट्रीय स्तर पर ताल ठोकने की खबरों के साथ ही ये कयास भी लगाए जाने लगे थे कि केजरीवाल केंद्र में विपक्षी दलों को एकजुट कर उनका नेतृत्व कर सकते हैं और इसकी शुरुआत के लिए उनका शपथ ग्रहण समारोह उचित मंच मुहैया करा सकता है। लेकिन पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित करने के बजाय पूरी दिल्ली को रामलीला मैदान में आमंत्रित किया जाएगा और यही दिल्ली की जनता इस समारोह की VVIP गेस्ट होगी। दरअसल अरविंद केजरीवाल अभी देश की सियासत में बीजेपी विरोधी धुरी का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राष्ट्र निर्माण के लिए आपसे जुड़े। दिल्ली फतह करने के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के दफ्तर में लगाया गया ये वो पोस्टर है जो उसके आने वाले दिनों की रणनीति की मुनादी कर रहा है। दिल्ली में धमाकेदार विक्ट्री ने आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय फलक पर आने का हौसला दिया है। आपने ऐलान किया है कि अब महाराष्ट्र में वो सभी चुनाव लड़ेगी। देश की सबसे बड़ी महानगर पालिका BMC के चुनाव 2022 में होने और आपने इसके लिए तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं। एक सैलाब सा उठा है पूरे देश से। जनता बोल रही है कि दिल्ली का मॉडल उन्हें अपने राज्य में भी चाहिए, तो इसीलिए पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि महाराष्ट्र में हम अब बुनियादी लेवल पे काम शुरू करेंगे और यहाँ के लोकल इलेक्शंस लड़ेंगे, चाहे वो रूरल जिला परिषद के हों या अर्बन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। पार्टी इसके पीछे वजह मानती है कि मुंबई की जनता भी दिल्ली की तरह ही कई राज्यों से आए हुए लोगों की तरह है और उनके लिए बिजली, पानी, सड़क, स्कूल और गुड गवर्नेंस सबसे अहम मुद्दा है। बीएमसी के बाद आप महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी। आपके पिछले प्रदर्शन को देखें तो एक समय पंजाब में बेहतर स्थिति में आने के बावजूद आपको 2017 के चुनाव में 117 में से महज 20 सीटें मिल पाई थी, लेकिन 24% वोट पाकर वो 18 सीटों वाले अकाली दल और बीजेपी गठबंधन को तीसरे स्थान पर धकेलने में कामयाब रही थी। इसी तरह गोवा में भले ही आपको 6.3% वोट मिले लेकिन वो एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। दरअसल अरविंद केजरीवाल की प्राथमिकता आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाने की है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए आपको 4 राज्यों में 6% से ज्यादा वोट चाहिए। दिल्ली, पंजाब और गोवा में उसे 6% से ज्यादा वोट मिल चुके हैं, लेकिन हरियाणा में वो 1% वोट भी नहीं जुटा पाई। अब इस साल के अंत में बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी पूरा जोर लगा सकती है। कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का निर्णय अरविंद जी का फैसला है कि दिल्ली चुनाव के बाद जो भी चुनाव देश में होंगे उसमें आम आदमी पार्टी, अगर हमारे वहाँ कार्यकर्ता होंगे, संगठन होगा, तो मजबूती से लड़ेंगे। और इस लिहाज से बिहार में हमारी अच्छी तैयारी है। ज़्यादा संभावना है कि पार्टी अकेले दम पर बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इन कारणों से संभावना जताई जा रही है कि अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल पिछली बार की तरह ही इस बार भी अपने लिए कोई मंत्रालय ना लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।